देवता। माता जी देवता कौन होता है? बहुत कराहे दिए जा सब। बहन जी देवता कौन होता है? देवता वो होता है जो दे। जैसे मैं आपको पैसा दूं, मैं आपको धन दूं, मैं आपको संपत्ति दूं, ठीक है, तो मैं देवता हूं। जो हमें देता है वो देवता है, सही है कि नहीं? माता जी बताओ, जो हमसे ले लेता हो तो वो देवता है कि लेने वाला है? तो लेवता है वो। बताओ तो देवता कौन है हम सबके? हम सबके देवता कौन है? 35 करोड़ देवी देवता हमारे आपके समाज में रहे, हमारे दादा परदादा पूर्वज उन्हीं की पूजा करते, सत्यनारायण की कथा सुनते सुनते चले गए, क्या उन्हें कुछ मिला? वही हरवाही, वही गुलामी, वही लाचारी। वो कब खत्म हुआ? उसको किसने खत्म किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। इनका फोटो देखिए, ये सब किसने खत्म किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इन्होंने धन दिया, सम्मान दिया, शिक्षा दिया, अधिकार दिया, दिया कि नहीं दिया? आप लोग बताओ। नहीं नहीं दिए। अगर दिया तो देवता ये हैं कि वो 33 करोड़ आपकी औसानी माई देवी देवता, हाथ वाली, 20 हाथ वाली, 4 हाथ वाली, 15 हाथ वाली, वो है दुर्दुरिया वाली, बताइए इन्होंने दिया ना। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि इन्होंने कोई असलाह लिया है? देखो कहीं असलाह है इनके पास? कोई हाथी, कोई तलवार, कोई धार, कोई त्रिशूल, कोई गदा, कुछ है इनके पास? बताओ। और जितने 35 करोड़ देवी देवता हैं, किसी ने तलवार लिया है, किसी ने भाला लिया है, कोई बर्छी लिया है ना, और किसी ने जो है वो गदा लिया है, ये किसके लिए, किसके लिए लिया है? अपनी रक्षा के लिए लिया है, या तो प्रहार करने के लिए या तो बचने के लिए। अच्छा किस लिए? हम अगर लाठी लिए हो किस लिए लेते हैं बताओ? पहला बचने के लिए, दूसरा मारने के लिए। इन लोगों के हाथ में कोई असलाह है? मारने वाला, बचने वाला कोई असलाह है? अगर इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, इनके पास कोई असलाह नहीं है। और जो देवी देवता 33 करोड़ है, उन्होंने कितने प्रकार का असलाह लिया है बताओ? लिया है ना। तो वो जब खुद, अब वो बताओ कि मजबूत ये है, निर्भीक ये है। जैसे मैं आपके गांव आऊँ, कोई हथियार है मेरे पास नहीं है ना, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं उनके पास बंदूक रहती, बड़े बड़े गन और वो रहते हैं, उनका लोग प्रणाम करते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। मैं निर्भीक हो के आया हूँ, नहीं आया हूँ? डरता तो मैं भी गनर लेके आता, मैं तो अकेले आया हूँ। मेरा आपसे कहना है इनके पास कोई असलाह नहीं है, निर्भीक हो करके इन्होंने समाज के लिए काम किया। और जितने असलाहधारी देवता आपके हैं, कोई ऐसा देवता नहीं जिसके पास असलाह ना हो। असलाह माने होता है औजार। कोई देवता बताओ जिसके पास औजार ना हो? एक कोई बता दो, सबके पास है ना। जब वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, असलाह रखने वाले, औजार रखने वाले का मतलब होता है कमजोर व्यक्ति। हम बंदूक लाइसेंस क्यों लेते हैं? हमारी रक्षा के लिए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। तो वो लोग खुद जो कमजोर हैं, हमारी आपकी क्या रक्षा कर पाएंगे बताओ? कर सकते हैं? अगर किसी मंदिर पे चढ़ाया ना जाए, कोई व्यक्ति ना जाए, तो वहां का खर्चा कैसे चलेगा? वहां का पुजारी पानी को तरस जाएगा? नहीं तरस जाएगा, तरस जाएगा ना। तो इसका मतलब कि वहां दिया नहीं जाता है, मिलता नहीं, वहां दिया जाता है। जब हम वहां देते हैं तो वो देवता है कि लेवता है बताओ? तो आप देवता को मानोगे कि लेवता को मानोगे बताओ? जोर से बताओ, देवता को मानना है कि लेवता को मानना है? ये 33 करोड़ देवी देवता को मानना है कि बाबा साहब को मानना है? आज आप लोग कसम खाइएगा, आप लोग 33 करोड़ देवी देवता को नहीं मानेंगे, आप लोग बाबा साहब को और तथागत बुद्ध को मानेंगे, सही है कि नहीं है? हाथ उठाओ ऊपर करो, शपथ दो कि हम बाबा साहब को मानेंगे और 33 करोड़ देवी देवता को नहीं मानेंगे, ठीक है? हम बाबा साहब को तथागत बुद्ध में आस्था रखते हैं, हम 33 करोड़ देवी देवता को नहीं मानेंगे, आज से हम लोग 8 नंबर को नहीं मानेंगे, ठीक है? कि बहुत बहुत धन्यवाद।